रूहानी साहब जो कि एक बहुत ही होनहार नौजवान थे, खलक के जज्बे से हमेशा गरीबों और ज़ईफों के मददगार के नाम से वो पुलिस डिपार्टमेंट में भी जाने जाते थे। मसूर वानी साहब ने हमेशा गरीबों और ज़ईफों की मदद की और एक बहुत बड़ा जुल्म ये हुआ है, वो आज हमारे बीच नहीं रहे। ये बहुत दिल को तकलीफ देने वाला ये सारा वाक्य हुआ है। एक बार फिर कश्मीर की सरजमी को लहूलुहान किया गया है, एक बार फिर बेगुनाहों का कत्ल हुआ, एक बार फिर न्यूज़ नाउ प्लीज नेटवर्क इतने नीचे रखो प्लीज, जुल्म हुआ, बेइंतहा जुल्म, बहुत तकलीफ देने वाला ये वाकया हुआ है। और जिन लोगों ने भी जो नहीं चाहते कि यहाँ अमन हो, खुशहाली हो, जो लोग अमन के दुश्मन हैं, जो कश्मीरियों के दुश्मन हैं, जो इंसानियत के दुश्मन हैं, ये उन्होंने बहुत बड़ा गुनाह किया, बहुत बड़ा जुल्म किया। आखिर कब तक ये बेगुनाह लोगों का खून इसी तरीके से बहता रहेगा? ये नाकाबले बर्दाश्त है। मंसूर साहब के वालिद मोहतरम, उनके घर के लोग जिन्होंने हमेशा ईमानदारी दयानदारी से काम किया और मददगार के तौर पर हमेशा सबकी खिदमत की, उनके साथ इस किस्म का जो हादसा पेश आया है ये नाकाबले बर्दाश्त, नाकाबले बर्दाश्त है। ये इंसानियत का कत्ल है, ये कश्मीरियत का कत्ल है। बेगुनाहों का कत्ल करना, बेगुनाहों का खून बहाना, ये जुल्म है, ये गुनाह है, ये पाप है, ये बंद होना चाहिए, ये बंद होना चाहिए। ये जुल्म है, जुल्म, ये बेइंतहा जुल्म है। मसूर वानी साहब ने किसी का क्या बिगाड़ा था? उन्होंने हमेशा ईमानदारी और दयानदारी से काम किया, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट में थे या इस अपने अल्ले महल्ले में अपने दोस्तों के साथ। एक मददगार नौजवान जिसके दिल में खिदमत खलक का जज्बा है, उस नाम से वो जाने जाते थे। बहुत बड़ा गुनाह अमन के दुश्मनों ने, इंसानियत के दुश्मनों ने और कश्मीरियों के दुश्मनों ने ये गुनाह किया, ये बहुत बड़ा गुनाह है।